आचार्य नैमी चंद्र सिद्धांति देव विरचित द्रव्य संग्रह नाम का एक छोटा सा ग्रंथ है, जिसमें 6 द्रव्य 7 तत्वों का अंत में ध्यान आदि का अच्छा वर्णन है। और यह प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसके माध्यम से आपके ज्ञान में कई चीज़ों की परिभाषाएं इत्यादि सहजता में याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसका मंगलाचरण। जीवम जीवम दवम। अब यहाँ पर जीव अलग पढ़ना, मजीवम अलग पढ़ना, जीवम जीवम ऐसे नहीं पढ़ना। जीव मजीवम दवम जिणवर वसहेण जीर्णे दिठम। जिणवर वसहेण जीर्णे दिठम। देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। पढ़ो एक बार गाथा। जीव मजीवम दवम जिणवर वसहेण जीर्णे दिठम। देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। यह हो गया। अब इसमें मंगलाचरण में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा अर्थ ये जानना जरूरी है। और जो लोग प्राकृत पढ़ लिए हैं तो उन्हें अब इन गाथाओं का आनंद लेना चाहिए, है ना। उन्हें गाथाएं पढ़ने में आनंद आने लग जाता है जिन्हें प्राकृत पढ़ना आ जाता है। और प्राकृत पढ़ने के बाद में अगर कोई छोटा सा ग्रंथ है पढ़ने लायक, तो वो सबसे पहला ग्रंथ श्रावकों के लिए विशेष रूप से यह द्रव्य संग्रह ही है। जीव मजीवम दब्बम। जीव को जीव ही बोलते हैं, अजीव को अजीव ही बोलते हैं। वह माँ जो बन गया वो जीवम और अजीवम। तो जीवम का जो अंत में अनुस्वार रहता है वो आगे संधि होने के कारण से उसका म बन जाता है। वस्तुतः उसमें अर्थ क्या निकलेगा, अजीवम। तो प्राकृत में जीव को जीव ही बोलते हैं, अजीव को अजीव ही बोलते हैं। दव्वम, दव्वम माने द्रव्य। प्राकृत में इन शब्दों को जानते रहना कि कौन से शब्द को प्राकृत में क्या बोलते हैं। द्रव्य को क्या बोलते हैं, दव्वम। और ये द्रव्य शब्द नपुंसक लिंग का है, इसलिए क्या लिखा है, दव्वम, है ना। इसी के कारण से जीवम अजीवम ऐसा लिखना पड़ा। लेकिन जीव और अजीव वैसे देखा जाए तो ये पुल्लिंग के शब्द हैं, लेकिन द्रव्य के विशेषण होने के कारण से इनको जीवम अजीवम ऐसा लिखा है। जीर्णवर वसहेण जीर्ण निदिट्ठम, है ना। जीर्ण, ये जीर्ण क्या आ गया, ये ज, है ना, तेण बनता था तृतीया के एक वचन में। हाँ, जिन जिन जिनवर वृषभ ने, जीर्ण जिनवर वसहेण जिन जिनवर वृषभ ने। तो जिनवर वृषभ का मतलब हो गया जिनवरों में भी जो वृषभ माने श्रेष्ठ होते हैं। कोई यहाँ पर आदिनाथ भगवान का मतलब निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनवरों में भी जो श्रेष्ठ हैं, तो सामान्य से जिन कहा जाता है को एक तरह से अगर देखा जाए तो एक देश जिन 4th गुणस्थान से कहना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि उसने कुछ जीत लिया, जिसने मिथ्यात्व जीत लिया, अनंतानुबंधी कसाय जीत ली, तो वो एक देश माने थोड़ा जिन हो जाता है। मुनि महाराज होने गए 6th-7th गुणस्थान में तो उनको जिन संज्ञा मिल जाती है। फिर जिनों में भी जो वर वर माने श्रेष्ठ होते हैं उनको जिनवर कहते हैं। ऐसे गणधर आदि परमिष्ठि को जिनवर कहा जाता है। और उन गणधर परमिष्ठियों से भी और जो बड़े होते हैं श्रेष्ठ होते हैं उन्हें
तीर्थंकर जिनवर वृषभ कहा जाता है। तो जिनवर वृषभ का मतलब तीर्थंकर भगवान के द्वारा जीर्ण, जिन तीर्थंकरों ने निर्दिष्टम माने कहा है, निर्दिष्ट किया है, है ना, क्या किया, निर्दिष्ट माने कहा है, उपदेश दिया है, क्या दिया है, दव्यम द्रव्य का, कैसे द्रव्य का, जीव और अजीव द्रव्य का, है ना। तो इस लाइन का अर्थ क्या हो गया, जिन जिनवर वृषभ ने जीव और अजीव द्रव्य का निर्देश किया है, है ना, देविंद विंद बंदम, वे जो जिनवर वृषभ हैं वो कैसे हैं, देविंद माने हो गया देवेंद्र, है ना। आपको बताया था कि जैसे देवेंद्र शब्द है तो अब इसको प्राकृत में क्या बोलेंगे, देविंद। अक्सर आप देखेंगे घर में जो लोग होते हैं अगर किसी का नाम लेंगे देवेंद्र तो कभी भी देवेंद्र नहीं बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, ये देविंद इधर आ, ये देविंद कहाँ जा रहा है, हैं, तो यही प्राकृत हो जाती है देविंद। फिर विंद माने एक बिंद और है, बिंद बोलते हैं वृंद को, वृंद माने होता है समूह, है ना, जैसे वृंदावन बनता है ना, जैसे बोलते हैं ना, तो वो वृंद माने क्या होता है, समूह, तो वृंद का भी बिंद बन जाता है, और वंद माने वंदनीय, वंद्य उसका बनाए वंद, तो देवेंद्रों के समूह से वंदनीय, ऐसा इस पूरे शब्द का पद का अर्थ हुआ, देविंद विंद वंदम, है ना, जो वंदनीय हैं, जिनवर वृषभ कैसे हैं, देवेंद्रों के समूह से वंदनीय हैं, वंदे माने उनकी मैं वंदना करता हूँ, तम माने उनकी, वंदे तम, सर्वदा माने सर्वदा हमेशा, और सिरसा माने सिर झुकाकर माने प्रणाम करके। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो देवेंद्रों के समूह से वंदनीय हैं उनको मैं सिर झुका करके हमेशा वंदना करता हूँ, जिन्होंने कि जीव और अजीव द्रव्यों का निर्देश दिया है, ऐसा इसका सामान्य से अर्थ हुआ। और जो विशेषताएं जिनवर वृषभ इत्यादि के बारे में बताई थी उसको ध्यान में रखना। अब आगे की गाथा शुरू होती है, जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसोढ़गई। पढ़ो, जीवो उव ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसोढ़गई, है ना। रोजाना पढ़ोगे तो ये गाथाएं याद हो जाएंगी और सबको याद होना भी चाहिए। यहाँ पर अब जीव द्रव्य जो है, सबसे पहले कौन सा द्रव्य था, जीव द्रव्य, तो उस जीव द्रव्य की विशेषताएं बताने के लिए यहाँ पर जीव के कुछ विशेष गुण बताए जा रहे हैं, जीव की कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं कि इनसे आप जीव को अच्छे ढंग से समझ पाओगे कि जीव क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो जीव, जीव क्यों कहा जाता है, जीव को जीव क्यों कहते हैं, इसका भी कारण आगे बताया जाएगा। उपयोगमयो, जीव कैसा होता है, उपयोगमय, है ना, उपयोगमय, मय का मतलब उस रूप, उसी में समाहित जो चीज होती है उसको मय बोलते हैं। जैसे आपका कुंडल है ना, तो कैसा है, सोने का, तो उसे क्या बोलेंगे, स्वर्णमय, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, ये कुंडल स्वर्णमय है। तो सोना अलग हो और कुंडल अलग हो ऐसा नहीं होता, मतलब सोने का ही बना हुआ कुंडल जैसे होता है वैसे ही जीव अलग हो, उपयोग अलग हो ऐसा
नहीं होता, उपयोगमय ही जीव होता है ना। तो उपयोग को कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। उपयोग मतलब यूज वाली चीज नहीं है, उपयोग का मतलब होता है जो हमेशा अपने अंदर ज्ञान और दर्शन की क्रिया करता रहता है उसे उपयोग कहते हैं। ज्ञान की क्रिया मतलब जानना और दर्शन की क्रिया माने देखना। तो जीव हमेशा ज्ञान दर्शन की क्रिया मय होता है, कोई भी जीव हो उसमें ये उपयोग चलेगा। उपयोग का मतलब क्या हो गया, ज्ञान और दर्शन की क्रिया, इसी को ज्ञान और दर्शन का व्यापार कहते हैं, है ना। मतलब शास्त्रों में जो शब्द मिलते हैं वो कुछ अलग अर्थों में मिलते हैं और हम जो आजकल उनको उपयोग में लाने लगे उनके अर्थ बदल जाते हैं। व्यापार का मतलब एक तरीके से क्रिया होती है, लेन देन का नाम जैसे हम बोलते हैं तो लेन देन की क्रिया का नाम व्यापार है। तो इसी तरीके से ज्ञान दर्शन की क्रिया, ज्ञान दर्शन का व्यापार, उसको उपयोग कहते हैं, ये जानना, है ना। उपयोग का मतलब यूजलेस और यूजफुल नहीं समझना, उपयोग माने ज्ञान दर्शन की क्रिया, है ना। द एक्ट ऑफ नोइंग एंड द एक्ट ऑफ सीइंग, सीइंग समझ आ रहा है, इसको बोलते हैं उपयोग। तो जीव हमेशा उपयोगमय होता है। अमुत्ति, अमुत्ति का मतलब होता है अमूर्तिक। जीव कैसा होता है, अमूर्तिक। अब अमूर्तिक क्या होता है ये सब आगे डिटेल इसकी आएगी। कत्ता, कत्ता माने कर्ता, कर्ता को प्राकृत में कत्ता। सदेह परिमाणो, स माने स्व, स्वदेह के परिमाण माने उतने ही प्रमाण, उतने ही देह के बराबर होता है, अपनी स्वदेह के बराबर ही जीव होता है। सदेह परिमाण का मतलब अपनी देह के प्रमाण वाला। भोक्ता यानी भोक्ता होता है, भोगने वाला भोक्ता कहलाता है। संसारत्थो, संसारस्थ इसका प्राकृत बना संसारत्थो माने संसार में स्थित होता है। सिद्धो और वह सिद्ध होता है, सो माने वह, विश्व सोड गई, इसमें दो शब्द हैं विश्वसा प्लस उड़ गई। विश्वसा यह एक अव्यय है, अव्यय समझ गए ना अब तो, यदा कदा जदा तदा ऐसा बोलते थे उसी तरीके से विश्वसा माने होता है स्वभाव से। विश्वसा माने स्वभाव से उड़ गई, उड़ गई माने ऊर्ध गति वाला होता है। जीव स्वभाव से कैसा होता है, ऊर्ध गमन करने वाला, ऊर्ध माने टू गो अपवर्ड ऑलवेज, उसको बोलते हैं ऊर्ध गति स्वभाव वाला। तो जीव का यह स्वभाव होता है। तो यहां पर ये जीव की विशेषताएं भी बताई गई और एक तरीके से ये जीव के बारे में बताने के लिए ये सबसे पहला, यानी कहना चाहिए जैसे आप लोग कोई वेबसाइट तैयार करते हैं तो सबसे पहले एक ऊपर एक पेज बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, होम पेज है, हाँ। तो जिस पर आपको लिखा मिलेगा ये है, वीडियो हैं, ऑडियो हैं, बुक्स हैं, समझ आ रहा है, और भी नॉलेज की चीज़ें हैं, व्यू हैं, फैक्ट्स हैं, ये जो तमाम चीज़ें, अब आप उनमें से एक एक को क्लिक करते जाओ तो उसमें आपको उसकी डिटेल मिलती चली जाए। तो इसी को ऐसा समझना, समझ आ रहा है, जीव के बारे में जानने के लिए ये पहले एक होम पेज बन गया, समझ आ रहा है। कितनी इसमें चीज़ें हैं, सबसे पहले जीव, दूसरा उपयोगमय, तीसरा अमूर्ति, चौथा कर्ता, पांचवा स्वदेह परिमाण, छठवां भोक्ता, सातवां संसारस्थ, आठवां सिद्ध और नौवां विश्व सोड गई। माने इसमें नौ इसके चैप्टर कह सकते हो, नौ इसके क्या कह सकते हो, क्या बोलते यूनिट, नो हाँ। तो
एक एक चीज को समझाने के लिए आगे अलग अलग गाथाएं आएंगी। ऐसा भी होगा एक चीज को समझाने के लिए तीन गाथा भी लग जाएं, और ऐसा भी होगा कि एक गाथा में दो चीजें समझा दी जाएं। समझ आ रहा है? तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझाया जाएगा आपको हर चीज, ठीक है ना। तो अपने को जीव के बारे में नौ चीज समझना है ना, नौ यूनिट है ये, जिससे अपन जीव की पूरी जानकारी अपने को मिल जाती है। समझ आ गया क्या? अब बोलो, जीव माने जीव, उपयोगमय माने उपयोगमय, बोलो अमुत्ति माने कत्ता माने सदेह परमाणु स्वदेह प्रमाण, ऐसा उसका बिल्कुल झोंकी त्यों हिंदी, स्वदेह प्रमाण, भोत्ता संसारत्थो संसार में स्थित सिद्धो, और विश्व सा उड़ गई, विश्व सो उड़ गई, ऐसा मिला करके बन गए स्वभाव से ऊर्ध्वगति। बस ये नौ बातें जीव के बारे में जानना, ठीक है। अब एक एक बात को समझाने के लिए आगे की गाथा आ रही है। तो सबसे पहले अब हम क्या सीखेंगे, जीव के बारे में जानेंगे। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउ आण पाणोय, व्यवहारासु जीवो निच्छय दो दुचेदना जस, पढ़ो। तिक्काले चदुपाणा व्यवहारासो जीवो निच्छय नैदो दुचेदना जस। यहाँ पर जीव का स्वरूप बताया गया, जीव किसे कहते हैं, जीव कैसा होता है, जीव की क्या पहचान होती है। अब जब भी कोई भी शास्त्र में बात कही जाती है तो उसको जानने के लिए दो नयों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? दो नय। दो नय का मतलब होता है एक नय व्यवहार नय और एक नय निश्चय नय, यानी दो पहलुओं से किसी भी चीज को हम पूरा जान लेते हैं। कितने पहलू से? पहलू, समझ रहे हो ना। मतलब नय का मतलब हो गया एक हमारा दृष्टिकोण, नय का मतलब क्या हो गया? दृष्टिकोण। तो एक व्यवहार का नय होता है और एक निश्चय, माने एक व्यवहार के दृष्टिकोण से और एक निश्चय के दृष्टिकोण से, है ना। तो व्यवहार के दृष्टिकोण से क्या होता है वो ऊपर की लाइन में लिखा हुआ है। तिक काले माने तीनों कालों में, तीन काल कौन से? हाँ, माने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, भूत भविष्यत वर्तमान, इन तीनों ही कालों में चदुपाणा, चदु माने चार और पाणा माने प्राण, चार प्राण होते हैं। सभी जीवों में कितने प्राण होते हैं? चार। तो ये तो जो है एक संक्षेप से, चार प्राण सभी में हमेशा, तीनों काल माने जीव कभी भी किसी भी काल में रहे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हमेशा उसके अंदर चार प्राण मिलेंगे, है ना। वो चार प्राण कौन से होते हैं? इंद्रिय बल माउ माने आऊ, है ना, बलम शब्द होता है, बल का आ में अनुस्वार का आ में संधि हो गई तो क्या हो गया? माउ हो गया, लेकिन वो शब्द क्या है? बलम आऊ। और आण पाणो या आना पान प्राण बोला जाता है, आना पान का मतलब होता है श्वासोच्छ्वास। तो सब जीवों में इंद्रिय होगी, बल होगा, आयु होगी और श्वासोच्छ्वास होगा। कोई भी छोटे से छोटा जीव हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो, उसमें ये चार चीजें जरूर होंगी, हमेशा उसमें ये चार चीजें तो मिलेंगी। समझ आ रहा? एक इंद्रिय जीव है तो उसमें एक इंद्रिय होगी, लेकिन होगी तो इंद्रिय पर प्राण होगा, बल भी होगा उसमें, क्योंकि जब इंद्रिय होगी तो उसकी काय होगी, काया होगी, तो उसमें काय का बल प्राण होगा, है ना।
आयु होगी उसकी, कितना भी छोटा जीव हो उसकी आयु तो होगी, और आन प्राण भी माने श्वास उच्छ्वास भी हर जीव में रहती है। इसको हम श्वासोच्छ्वास ना कह करके आनापान इसलिए बोलते हैं कि उसमें जिस जीव में श्वासोच्छ्वास फेफड़ों के माध्यम से नहीं ली जाती है, उनमें भी कुछ ना कुछ आना जाना क्रिया जो चलती है वायु को लेने और छोड़ने की, उसको आनापान बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? तो श्वासोच्छ्वास शब्द तो हो गया उनके लिए जिनके पास में कलेजा हो, फेफड़ा हो, कुछ हो, समझ आ रहा है, पंचेंद्रिय आदि जीवों के लिए। लेकिन जो छोटे भी जीव हैं तो उनमें आनापान तो मिलेगा, माने आना और जाना। तो सभी जीवों में व्यवहार से ये चार प्राण होते हैं। किससे होते हैं? व्यवहारा। जब आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग बताया तो बताया था ना कि पंचमी में बिना विभक्ति लगाए भी हम व्यवहार शब्द में जब आ लगा देते हैं तो व्यवहारा माने व्यवहार से, बताया था इसके प्रयोग ऐसे होते हैं यहाँ पर। सो माने वह, जीवो माने जीव होता है, तो व्यवहार से वह जीव होता है कौन, जिसमें चार प्राण हमेशा पाए जाएं। कौन से चार प्राण? इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण। निश्चय नय दो, है ना, निश्चय नय दो माने निश्चय नय से, दू माने तो, तू, चेदना, चेतना माने चेतना, जस माने जिसकी, जिन है जिसकी, निश्चय नय से तो चेतना ही होती है, माने निश्चय नय से तो जिसके चेतना प्राण ही होता है। व्यवहार नय से ये चार प्राण होते हैं और निश्चय नय से उसकी चेतना ही उसका सबसे बड़ा प्राण है, है ना। तो चेतना जो है वो निश्चय से प्राण है। निश्चय से प्राण का मतलब क्या हो गया कि उस चेतना के अस्तित्व से ही अन्य प्राण संभव हैं, है ना। चेतना मूल में है, आत्मा जिसको बोलते हैं चेतना, तो वो चेतना होगी तो ही अन्य कर्मों के कारण से अन्य प्राण बनेंगे। तो निश्चय प्राण क्या हो गया? चेतना और अन्य जो प्राण हो गए जिनमें पुद्गलों का संयोग हो गया, इसलिए वो हो गए व्यवहार से प्राण। तो ऐसा भी समझ सकते हैं निश्चय और व्यवहार में अंतर, हर छोटे से छोटे बच्चे को भी समझ में आना चाहिए। निश्चय माने एक ऐसी चीज की ओर दृष्टि ले जाना जिसमें किसी की मिलावट ना हो, है ना, जिसमें कोई दूसरे चीज की कोई संपर्क ना हो, समझ आ रहा है, उसको देखना, ये हो गया निश्चय से। और व्यवहार से क्या? उसको मिले जुले रूप में देखना, ये कहलाएगा व्यवहार से। क्या समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? निश्चय का मतलब किसी भी चीज की ओरिजिनल क्या वैल्यू या ओरिजिनल मैटर देखना है। एग्जाम्पल दे दें, देखो आप कोई भी खोए की बर्फी खा रहे हो, है ना, खाने पीने का एग्जाम्पल जल्दी समझ में आता है, हैं, या कोई भी लड्डू खा रहे हो, समझ आ रहा है। अब आपसे पूछा गया ये लड्डू किसका है, तो आपने कहा खोए का, समझ आ रहा है ना। अब कुछ भी हो, बेसन में भी ऐसी उदाहरण लगा लेना, एक बार में एक ही बताएंगे ना। तो आपने कहा खोए का लड्डू है। अब उस लड्डू में क्या केवल खोआ ही है? उसमें आपने बूरा भी मिला रखा है, उसमें आपने इलायची भी मिला रखी है, उसमें आपने घी भी मिला रखा है, उसमें आपने है? क्या मेवा वो भी मिला रखी है, लेकिन लड्डू किसका कहला रहा है? खोए का। अब देखो, सुनो बच्चों, अब इसमें दो तरीके से उसको देखो, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। तो निश्चय से तो कब देखोगे? जब उसकी बिल्कुल
प्योर चीज को देखोगे, समझ आ रहा है? जहां आपको ये दिखे ये खोआ 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 जहां तक दिखेगा वो तो क्या हो गया, निश्चय से। और जहां आपने ये देखा, अरे इसमें तो बूरा भी है, इसमें तो इलायची भी है, इसमें तो मेवा भी है, तो ये क्या हो गया, व्यवहार। समझ आ गया? बस इतना ही सा होता है, कुछ नहीं होता है ना? तो समझ में आ गया? कोई भी चीज में, जैसे मान लो आप शर्ट पहने हो, अब आपसे पूछा आप कैसी शर्ट पहने हो, कैसे कलर की शर्ट है आपकी, वो कह रही ब्लैक कलर की है ना, कई शर्ट पहने ब्लैक कलर की। अब उसका केवल ब्लैक कलर देखोगे तब तो ये हो गया निश्चय। अब आपने देखा अरे ब्लैक कहाँ है, उसमें सफेद से भी कुछ लिखा हुआ है, उसमें तो लाल से भी कुछ लिखा हुआ है, उसमें तो क्या समझ आ रहा है, पीला भी रंग है, तो ये क्या हो गया, ये व्यवहार हो गया। बस इतना ही होता है, समझ आ रहा है? तो निश्चय हमें किसकी ओर दिखाता है, जो प्योर चीज है ना, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, है ना, प्योर मैटर को जो पकड़ता है वो कौन सा, निश्चय है। और व्यवहार ने, हाँ, जो उसके साथ इम्प्योरिटी भी जुड़ी हुई है उसको भी जो पकड़ेगा वो कहलाएगा व्यवहार। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही चेतना क्या है, निश्चय से, क्योंकि चेतना माने चेतना, आत्मा माने आत्मा, प्योर है वो। अब उसमें देखा, प्योर तो अकेली रहती नहीं है, उसमें तो कर्म भी लगे हैं, उसके साथ शरीर भी है, उसके साथ आयु भी है, श्वास प्राण सब कुछ है, तो ये सब क्या हो गया, व्यवहार हो गया। आगे समझ में, अब बता देना जब पूछे तो। हाँ, बस पूरा धर्म ये व्यवहार और निश्चय नए दो नयों पर ही बेस्ड होता है। तो चूंकि हम संसार अवस्था में ऐसे जीव होते हैं जिनमें कर्म भी लगे हुए हैं और जीव भी है, तो दोनों की ओर दृष्टि रखने से दोनों नयों के माध्यम से हमें हर चीज को जानना चाहिए। तो निश्चय से जीव कैसा है, चेतना मात्र है, निश्चय से माने जीव चैतन्य है, बस चैतन्य मात्र है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और जैसे ही हमने कहा व्यवहार से जीव कैसा है, तो उसमें मिलावट आ गई, समझ आ रहा है? अब हमने कहा ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मनुष्य है, ये त्रियंच है, तो ये सब जीव किसने से हो रहा है, व्यवहार ने से, समझ आ रहा है? वस्तुतः तो जीव कैसा है, जीव तो सबका जीव ही है। तो जो लोग इन नयों को नहीं जानते हैं उन्हें तरह तरह के कंफ्यूजन पैदा होते हैं। वो कहते हैं जब जीव सब जीव ही हैं तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो ये स्त्री है ये पुरुष है, समझ आ रहा है? तो ये हम क्यों कहते हैं, ये व्यवहार से कहते हैं। व्यवहार से स्त्री है तो स्त्री रूप में है, पुरुष है तो पुरुष, मनुष्य है तो मनुष्य गति का है, त्रियंच है तो त्रियंच गति, समझ आ रहा है? और निश्चय से तो जीव जीव है, सब जीव एक जैसा है, ठीक है? तो निश्चय से हम कैसे हैं, जीव माने चेतना आत्मा, आ रहा समझ में, ठीक है? कठिन तो नहीं है? अब छोटा सा बच्चा है वो भी समझ रहा है, समझ आ रहा है? तो ये ध्यान में रखना है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग की जाती है, थोड़ा सा इसका डिटेल समझने का है। इंद्री, अब वैसे मूल में तो प्राण कितने हो गए, चार, मूल माने, हाँ, व्यवहार नहीं से प्राण मूल माने जिनके अभी हमने और कोई डिवीजन नहीं किए हैं, तो प्राण कितने हैं, चार। अब हम खुद डिवीजन करेंगे उसके तो वो टोटल हो जाते हैं दस प्रकार के, कितने हो जाते हैं, तो कैसे हो जाते हैं दस, इंद्रियां हम विभाजित करेंगे तो इंद्रियां कितनी होती हैं, पांच। बल विभाजित करेंगे तो कितने हो जाएंगे, बल तीन प्रकार के होते हैं, है ना, पांच इंद्रियां कौन कौन सी, होगी पांच, स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु और कर्ण, ये पांच इंद्रियां हैं, समझ आ रहा है? तो किसी के पास में एक इंद्री है, किसी के पास दो इंद्री है, किसी के पास तीन इंद्री है, किसी के पास पांच, तुम्हारे पास कितनी है, पक्का पक्का, एक भी कम नहीं है, सब कुछ है, तो कितनी, संदेह तो नहीं है, डाउट तो नहीं है, अच्छा तो कितनी इंद्री है, पांच, तो ये पांच इंद्रियां हो गई, समझ आ रहा है?
अब बल कितने होते हैं? तीन, मन बल, वचन बल और काय बल। जैसे शुद्धि बोलते हैं ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, वही तीन प्रकार के बल होते हैं, ठीक है ना। तो किसी में काय बल पाया जाता है, काय बल तो सब में ही पाया जाएगा क्योंकि बिना काय के तो कोई रहेगा नहीं, है ना। फिर जिसमें जिह्वा इंद्री आ जाएगी उससे वचन बल प्रारंभ हो जाता है। जहां से जिह्वा आ गई माने बोलने की शक्ति आ गई, वहीं से जो है वचन बल आ गया। समझ आ रहा है? रसना इंद्री, जिह्वा इंद्री, रसना इंद्री, टच सेंस और टेस्ट सेंस। तो जहां से टेस्ट सेंस आ गया वहीं से जो है क्या आ गई, बचने में बोलने वक्तृत्व की शक्ति आ जाती है, वचन बल आ जाता है। समझ आ रहा है? तो कोई बोल पाए या ना बोल पाए लेकिन उसमें वचन बल आ जाएगा। तो काय बल के साथ वचन बल आ गया। अब वचन बल के बाद, अब वचन बल तो शुरू कहां से हो गया? दो इंद्री से ही हो गया शुरू। समझ आ रहा है? रसना इंद्री कहां से शुरू हो गई? दो इंद्री। अब दो इंद्री के बाद तीन इंद्री, चार इंद्री, और पांच इंद्री में भी दो भेद होते हैं, एक असंगी पंच इंद्री और एक संगी पंच इंद्री। असंगी का मतलब होता है, अरे तू सब जानता है, और संगी का मतलब जिनमें मन होता है। तो मन कहां से आया? संगी में मन आया। समझ आ रहा? अब मन कहां तक नहीं था? तो एक इंद्री में मन था, दो इंद्री में, तीन इंद्री में, चार इंद्री में और असंगी पंच इंद्री में, यहां तक मन। तो इनमें मन बल नहीं होगा। मन बल कहां होगा? जहां पर मन होगा। तो संगी पंचेंद्री में ही मन बल होता है। समझ आ गया? तो ऐसे तीन बलों का विभाजन होता है। आगे बात समझ में? एक पांच इंद्रियां हो गई, तीन बल हो गए, आयु हो गई और श्वासोच्छ्वास हो गया। समझ आ गया? अब अगर आपसे कोई पूछे एक इंद्री जीव में कितने प्राण होते हैं, डिटेल करके बताओ, कौन सी इंद्री, कौन सा बल, कौन सी है, क्या बताओ, बताओ कैसे बताओगे? एक इंद्री में कौन कौन से, कौन सी इंद्री? स्पर्शन इंद्री। चार तो होंगे ही, मिनिमम चार हैं और मैक्सिमम 10 हैं। समझ आ रहा है? तो पहला, एक इंद्री में कितने प्राण? स्पर्शन इंद्री, है ना, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये आयु और श्वासोच्छ्वास कॉमन रहेंगे। अब इसको ऐसे अलग अलग डिटेल करके बताना है, नाम लेकर के। दो इंद्री में कितने प्राण है? दो इंद्री में कितने प्राण? एक इंद्री में चार हैं, दो इंद्री में कितने हो जाएंगे, कैसे हो गए छह? बोलो बोलो। दो इंद्री माने स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री और फिर कायबल और वचन बल हो गए, और आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे कितने हो गए? छह प्राण हो गए। तीन इंद्री में बताओ सात। अब इसमें केवल एक इंद्री ही बढ़ेगी, है ना, एक घ्राण इंद्री बढ़ गई तो सात प्राण हो गए। चार इंद्री में आठ हो गए, क्या बढ़ गया? एक चक्षु इंद्री बढ़ गई। चार इंद्री में कितने प्राण हो गए? आठ। फिर असंगी पंचेंद्री में नौ हो गए, क्या बढ़ गया? एक कारण इंद्री बढ़ गई। और संगी पंचेंद्री में 10 हो गए, क्या बढ़ गया? मन बल बढ़ गया। समझ आ रहा है? ऐसे पांच इंद्रियों में कितने किसके प्राण होते हैं, इसका डिवाइडेशन अच्छे ढंग से ध्यान में रखना। समझ आ रहा है? उल्टा भी पूछ सकते हैं, आठ प्राण किसमें होते हैं? चार इंद्री में, है ना। छह प्राण किसके होते हैं? दो इंद्री में, है ना। 10 प्राण किसके होते हैं? संगी पंचेंद्री में। चार प्राण किसके होते हैं? एक इंद्री के। आगे बात समझ? बस ऐसे पढ़ रहे हो, कक्षा एक में पढ़ रहे हो और अंत में एक और चीज बताई जाती है, अरिहंत भगवान के कितने प्राण होते हैं, है ना। तो उनके भी ले दे करके बाद में चार प्राण रह जाते हैं। 10 प्राण वाले होते हैं वो शुरू में तो, लेकिन अंत जब अरिहंत बन जाते हैं तो क्या होता है, चार प्राण से ही वो अपना काम चला लेते हैं। तो वो चार प्राण कौन से हैं? आयु और श्वासोच्छ्वास, वो लास्ट के दो तो कॉमन है, ठीक है ना।
अब बल में केवल दो बल रह जाते हैं, एक वचन बल और एक काय बल, बाकी इंद्रियां नहीं और मन नहीं, ऐसी छह चीजों से रहित हो गए वो। तो कितने रह गया? चार प्राण रह गए, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। ये उनकी डिटेल जानना, ठीक है ना। अब ज्यादा डिटेल समझोगे तो ज्ञानी बन जाओगे। इंद्रिया ही नहीं है तो वचन काय नहीं है का मतलब ऐसा नहीं है कि इंद्रियों का नाश हो गया या अभाव हो गया, शरीर तो रहता ही है। तो अरिहंत अवस्था में जो इंद्री ज्ञान होता है वो इंद्री ज्ञान नहीं रहता, इसलिए इंद्रियों का काम नहीं रहता, है ना। इंद्रियों का काम नहीं रहता, शरीर तो दिखेगा इंद्री में, स्पर्शन इंद्री दिख रही है, नाक भी दिखेगी, आंख भी दिखेगी, लेकिन कोई काम नहीं करेंगे, है ना। आंख से देखने की जरूरत क्या जब उन्हें अपने ही आत्मा से सब कुछ दिख रहा है। तो कोई भी चीज टेस्ट उन्हें लेना नहीं, सुनना किसी की है नहीं, क्योंकि उन्हें सब पदार्थ अपनी आत्मा से जानने देखने में आने लग गए। तो इसलिए इंद्रियां और मन का कोई काम नहीं है, इसलिए ये प्राण उनके पास में नहीं है। बोलना उनको पड़ता है फिर भी दिव्य ध्वनि होती है, इसलिए वचन बल होता है, और शरीर जब तक है तब तक काय बल भी रहता है। ठीक है, चलो बन जाओ ज्ञानी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन नयों के माध्यम से इन प्राणों को विभाजित करके भी जानना, और अलग अलग इंद्रियों में भी कैसे प्राण होते हैं उनको भी जानना। आगे से थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा, तो आज तीन ही गाथा बहुत है।